नगर पालिका क्षेत्र भवानी मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा निर्माण कार्यों के भूमि पूजन एवं विगति सफाई व्यवस्था के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने SDM महोदय को सौंपा ज्ञापन। तो बिल्कुल गलत है। ना तो कोई जनप्रतिनिधि उनके साथ, ना कोई अधिकारी साथ। कांग्रेस ने थोड़ी बनवाए रोड, पर्सनल कांग्रेस पार्टी के रोड है। आज जो हमने ज्ञापन दिया है हमारे बोर्ड ने, जब हमारा कार्यकाल खत्म नहीं हुआ था उसके 3 महीने पहले कुछ टेंडर निकाले थे, कोरोना काल के कारण उसके वर्क आर्डर नहीं हो पाए, प्रशासक को चार्ज दे दिया गया। अब उसके वर्क आर्डर हुए हैं थोड़े दिन पहले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परसों के दिन गलत तरीके से कुछ जगह जाके भूमि पूजन किया। हमारा ये आरोप है कि वो भूमि पूजन कर ही नहीं सकते, या तो जनप्रतिनिधि भूमि पूजन करेंगे या कोई प्रशासक भूमि पूजन करेगा। कांग्रेस नेता भूमि पूजन नहीं कर सकते। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी सभी कार्य चालू हों और मतलब पूर्ण हों। एक और मांग हमारी यह है कि सफाई व्यवस्था पूरे शहर में, पचपाड़ हो, भवानी मंडी हो, कल्याणपुरा हो, मतलब सभी एरिया इतनी हालत ख़राब है कि नाले जाम है, नालियों को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ कचरा पड़ा हो, कचरे के ढेर पड़े हैं, कचरा पात्र पूरे भरे पड़े हैं, और मतलब कर्मचारी न तो आते हैं न काम करते हैं। अब हम फोन करते हैं तो कि साहब छुट्टी पे चल रहे हैं। आज हमने इसी संदर्भ में दिया है ज्ञापन और हम ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी सफाई व्यवस्था सुधारी जाए। कितने दिन का अल्टीमेटम कुछ लिखा है? हमारा ये अल्टीमेटम है कि 7 दिन में ये व्यवस्थाएँ सुधारे। हमें आश्वासन भी दिया साहब ने और मतलब सुधारने की कोशिश गलत तरीके से चुके हैं। जिस तरीके अभी नगर पालिका में जो व्यवस्था चरमराई है उसको लेकर किस तरह का BJP सरकार और आप उपाध्यक्ष का मुद्दा उठाएंगे? आज जो ज्ञापन दिया है उसमें सर्वप्रथम तो हम यार ये मांगे कि जो भूमि पूजन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए वही बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से, और उनको कोई उसका हक ही नहीं था कि उसका भूमि पूजन करें। जो भी विकास शहर का हुआ है पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के बोर्डों में ही हुआ है, और जो सफाई व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के समय चल रही थी बिल्कुल अच्छी सफाई व्यवस्था भवानी मंडी की थी, वो पिछले 2-3 महीने से जब से बोर्ड का कार्यकाल खत्म हुआ है चरमरा गई है। हमारी यही मांग है कि सफाई व्यवस्था भी सुधारी जाए, और साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी कार्यों का भूमि पूजन उन्होंने किया है वो सब भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड की देन है, न कि कांग्रेस की सरकार, न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की देन है। आज वो केवल अपने आगामी चुनाव में जनता को भ्रमित करने के लिए कि हम काम करवा रहे हैं वो बिल्कुल हम उसका विरोध करते हैं। ये जितने भी कार्य प्रारंभ हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के समय के कारण प्रारंभ हुए हैं, और हम इन कार्यों को भी गुणवत्ता के साथ पूर्ण। जैसे कि आप भी पूर्व पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, आपके अध्यक्ष पद पर हटने के बाद
फिलहाल अभी जिस तरह से नगरपालिका की जो व्यवस्था चरमराई है उसको लेकर किस तरह का ज्ञापन अभी आप लोगों ने और देना चाह रहे हैं? हमने सबसे पहले तो ज्ञापन में दिया है कि जो कांग्रेस के नेता लोग जो मेरे काल में टेंडर हुए थे वो कोरोना काल की वजह से थोड़ा वर्क ऑर्डर नहीं मिला था उनको, तो इन्होंने जयन और योग को दबाव डाल के अभी कार्य तो मतलब इनको तो दे दिया है, लेकिन इन्होंने गलत तरीके से भूमि पूजन किया है। ये भूमि पूजन नहीं कर सकते हैं। ये मतलब हमारे काल में जो हमने टेंडर किए थे, हम ये नहीं कहते हैं कि हम उसका भूमि पूजन करेंगे। प्रशासन लगा हुआ है तो वो करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और जल्द से जल्द कार्य करें। मेरे काल में कार्यकाल में आपने देखा होगा कि जगह जगह आप कहीं पे भी ले लीजिए, वहाँ पे सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी थी, और आज आप देख रहे हो कि गली में कहीं पे भी चले जाओ वहाँ पे सफाई व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। ये लोग बिल्कुल भी काम नहीं कराते कर्मचारियों से, ये सिर्फ अपना काम निकालते हैं कि हमारा जैसे मेरा वार्ड ये है, अभी से ही लड़ने लग गए, और अभी से ये तो खैर सब कुछ इन्होंने अभी से अपने पार्षद और अपन को ही चेयरमैन मान लिया है, इसलिए सिर्फ नगर पालिका में अपनी दोष जमाते हैं क्योंकि इनकी सरकार बैठी हुई है राजस्थान में। तो इनका काम यही है कि सिर्फ अपना काम करवाना है, बाकी भवानी मंडी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द जो हमने ज्ञापन दिया है उस पर सर ने हमें आश्वासन भी दिया है कि जो हमने मांग की वो पूरी करेंगे, और जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था चालू करेंगे।